अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट। दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 रुपये है और आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए, तो डोंट वरी, आपके भाई ने काफ़ी सर्च आउट करने के बाद और रिव्यू करने के बाद टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, जिनमें आपको कुछ स्मार्टफोन बॉक्स पैक में देखने को मिलेंगे और कुछ स्मार्टफोन में आपको यूज़ में रिकमेंड करने वाला हूँ और कुछ स्मार्टफोन इंपॉर्टेंट किट फोन होने वाले हैं। लेकिन आपको बेनिफिट ये देखने को मिलेगा, इन स्मार्टफोन में आपको आउटस्टैंडिंग कैमरा परफॉर्मेंस के साथ 60fps की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, अच्छे डिस्प्ले के साथ 7 बड़ी बैटरी होगी फास्ट चार्जर के साथ। सो अगर आपका बजट 30,000 रुपए है तो मेक श्योर कि आज की इस वीडियो को अपने लास्ट तक वॉच कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो को अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो आजकल इसके जो नंबर 5 पर मैंने स्मार्टफोन सेलेक्ट किया है, स्मार्टफोन में आपको नेक्स्ट लेवल के फीचर देखने को मिल जाते हैं 30,000 रुपए के रेंज के अंदर बॉक्स पैक में। क्योंकि गाइस, इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो 6.78 इंचेस का है, IPS LCD वाले पैनल के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। 30,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसिडर कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है और स्मार्टफोन की रैम को आप 6GB रैम तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि स्मार्टफोन में आपको 12GB की रैम और 128GB का रोम देखने को मिल जाती है। और काफी दोस्त कमेंट्स करते हैं कि 30,000 रुपए के रेंज के अंदर बॉक्स पैक में बेस्ट गेमिंग वाला स्मार्टफोन कौन सा है। तो ये स्मार्टफोन आपको 40fps की गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है जायरो हार्डवेयर के साथ, क्योंकि स्मार्टफोन में यूज की गई है MediaTek Helio G99K 4G की चिपसेट और ये चिपसेट आपको आमतौर पर 50,000 रुपए वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। और साथ ही स्मार्टफोन की बैक साइड पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इस स्मार्टफोन के मेन और फ्रंट कैमरे के हेल्प से आप फुल HD के ऊपर वीडियो शूट कर सकते हैं 30fps की स्पोर्ट पर। और पावर बैकअप में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जर के साथ और सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया फेस अनलॉक ऑप्शन के साथ। और लास्ट में अगर मैं स्मार्टफोन का नाम आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो यह स्मार्टफोन आता है Decode कंपनी की जानिब से और स्मार्टफोन का नाम है Decode Bolt 3। यह स्मार्टफोन बॉक्स पैक में आज के डेट में बेस्ट स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन को वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। तो इस नंबर पर जो स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट किया है एक इंपॉर्टेंट किट फोन है और PTA अप्रूव्ड है और स्मार्टफोन का नाम है सोनी एक्सपीरिया 5, जो कि 6GB रैम और 64GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस स्मार्टफोन को रिकमेंड करने के 3 रीजन है। सबसे पहली रीजन स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस है। स्मार्टफोन की बैक साइड पे मेन कैमरा 12 MP का दिया गया है, जो कि OIS की सपोर्ट के साथ आता है और सेल्फी कैमरा 8 MP का दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह कि स्मार्टफोन के मेन कैमरे के हेल्प से आप 4K की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps की स्पोर्ट पर। और स्मार्टफोन के मेन कैमरा में AI मोड, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड और सुपर नाइट जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके आप अच्छी क्वालिटीज के वीडियोज और फोटोग्राफी कर सकेंगे। कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है, साथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी 60-90fps के देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन में यूज़ की गई है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 की 5G की चिपसेट। अच्छी चिपसेट है गेमिंग के लिए, आप स्मार्टफोन को भी आके बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंचेस का OLED के पैनल के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और सबसे बढ़कर स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको HDR की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो स्मार्टफोन के डिस्प्ले को और भी ज़्यादा इंप्रूव करती है। और पावर बैकअप के ऊपर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि स्मार्टफोन में यूज़ की गई है 3140mAh की बड़ी बैटरी 18W के फास्ट चार्जर के साथ और सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया फेस अनलॉक ऑप्शन के साथ। और लास्ट पे अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, अच्छा स्मार्टफोन है इस रेंज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट किट फोन आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप स्मार्टफोन को भी वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट किया है, यह स्मार्टफोन आपको बॉक्स पैक में देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो स्पार्क 10 प्रो, जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है और स्मार्टफोन की रैम को आप 8GB रैम तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि स्मार्टफोन में आपको 16GB की रैम और 256GB रोम देखने को मिल जाती है। और यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 उसके सॉफ्टवेयर के साथ आता है, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको 40fps की देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन में यूज की गई है MediaTek Helio G88 की 4G की चिपसेट। और स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो 6.8 इंचेस का है, IPS LCD वाले पैनल के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ। अच्छा डिस्प्ले, आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए भी आप काफी एंजॉय करेंगे। और साथ ही स्मार्टफोन की बैक साइड पे मेन कैमरा 50 MP का दिया गया और सेल्फी कैमरा 32 MP का है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे के हेल्प से आप 1440 की वीडियो को शूट कर सकते हैं 30fps की स्पोर्ट पर। और पावर बैक में यूज की गई है 5000mAh की बड़ी बैटरी 18W के फास्ट चार्जर के साथ और सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया फेस अनलॉक ऑप्शन के साथ। और लास्ट पे अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की,
30,000 रुपये के रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन आपको अच्छा डिस्प्ले ऑफर कर रहा है, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो आप स्मार्टफोन को भी 30,000 रुपये के रेंज के अंदर बॉक्स पैक में वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। तो इस नंबर पर जो स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट किया, यह स्मार्टफोन आपको यूज कंडीशन के अंदर इजीली 30,000 रुपये के रेंज के अंदर देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन का नाम है रियलमी C67 जो कि 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट है। और यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 उसके सॉफ्टवेयर के साथ आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको 40fps के देखने को मिल जाती है क्योंकि स्मार्टफोन में यूज की गई है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 की 4G की चिपसेट। और स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो 6.72 इंचेस का है IPS LCD वाले पैनल के साथ। फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और फिजिकल डैमेज से बचने के लिए आपको फेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और नेट्स टाइप 800 के दिए गए हैं और नेट स्पीक आपको 950 के देखने को मिल जाते हैं। अच्छा डिस्प्ले है, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और साथ आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन की बैक साइड पर मेन कैमरा 108MP का दिया गया और सेल्फी कैमरा 8MP का दिया गया। स्मार्टफोन के मेन कैमरे के हेल्प से आप फुल HD के ऊपर वीडियो को शूट कर सकते हैं 30fps की सपोर्ट पर। और पावर बैंक में यूज की गई है 5000mAh की बड़ी बैटरी 33W के फास्ट चार्जर के साथ। और सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेल माउंटेड दिया गया फेस और लॉक ऑप्शन के साथ। और लास्ट पर अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, यूज कंडीशन के अंदर आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, साथ आपको अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है और डे टू डे यूजर्स के लिए जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। तो आप स्मार्टफोन को भी वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 1 वाले स्मार्टफोन की। तो इस नंबर पर जो स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट किया है, स्मार्टफोन में आपको तमाम तरह फीचर फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 4a 5G की जो कि 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट है। लेकिन यह स्मार्टफोन आपको नॉन PTU में देखने को मिलेगा 30,000 रुपये के रेंज के अंदर। लेकिन इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन आपको 5.81 इंचेस का डिस्प्ले ऑफर कर रहा है OLED के पैनल के साथ। फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और फिजिकल डैमेज से बचने के लिए आपको कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़कर स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो HDR सपोर्टेड है, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। और सेकंड फीचर स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस है। स्मार्टफोन की बैक साइड पे आपको 12MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो कि OIS की सपोर्ट के साथ आता है। और सेल्फी कैमरा 8MP का दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह कि स्मार्टफोन के मेन कैमरे के हेल्प से आप 4K के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps की सपोर्ट पर। कैमरा क्वालिटी आपको स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। और साथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है क्योंकि स्मार्टफोन में यूज़ की गई है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G की 5G चिपसेट। सो गाइस, अंडर 30,000 ये टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन थे जो कि आज के डेट में आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, अगर आप बॉक्स पैक में बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो आप डी कोड बोल 3 की तरफ जा सकते हैं। और यू स्मार्टफोन में आपको गूगल पिक्सल 4a 5G अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको तमाम तरह फीचर फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिल रहे हैं। तो आप स्मार्टफोन को वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। और फ्यूचर में ऐसे मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।